नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि आपका सारा जीवन ही शनिदेव की कृपा पर चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। साथ में इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 जनवरी मंगलवार 2021 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए 19 जनवरी का यह दिन कैसा रहेगा, क्या बड़ी खुशखबरियां आज आपको मिलने वाली हैं, क्या क्या बड़ी सावधानियां हैं जो आज आपको बरतना बहुत जरूरी है, क्या क्या घटनाएं आज आपके जीवन में घटने वाली हैं जो कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी, जानने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आपकी नौकरी में, आपका करियर, आपका व्यापार, आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, आपकी आर्थिक स्थिति में क्या उतार चढ़ाव होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं यहां आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपकी भी राशि तुला है तो नीचे लाल बटन है, इसको दबाकर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रतिदिन समय से मिल सके। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो पर एक लाइक नहीं करा है तो एक लाइक कर दें, कंजूसी बिल्कुल ना करें ताकि आपका प्रेम हमारे साथ इसी तरह बना रहे। देखिए, हमारा ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि के आधार पर हम जानेंगे 19 जनवरी का यह दिन आप लोगों के जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आया है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज क्या शुभ योग आपके लिए बन रहे हैं, ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थितियां रहेंगी। मित्रों, 19 जनवरी को शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र है, शिव नाम का योग रहेगा जो आपके लिए बहुत भाग्यशाली है। मंगलवार का ये दिन है, चंद्रमा मीन राशि में है जबकि सूर्य मकर राशि में रहेंगे। बात करें अगर आज के राहु काल के समय की तो ये समय होगा दोपहर 3:21 से लेकर शाम 4:43 तक का समय आपके लिए अशुभ है, इस समय आप कोई भी शुभ काम ना करें। बात करें अगर आज के अभिजीत मुहूर्त की तो ये समय होगा दोपहर 12:16 से लेकर दोपहर 12:59 तक का समय आपके लिए शुभ है, इस समय आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। तो मित्रों, ये था ग्रह नक्षत्रों का हाल, इसी के आधार पर हम आगे जानेंगे 19 जनवरी का यह दिन आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, कुछ सावधानियां भी हैं जिनको बरतना आज आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। शनि की कृपा पाने के लिए आप कुछ उपाय भी हैं जिनको मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, और देखिए शनि के दोष से बचने के लिए भी कुछ सावधानियां हैं जिनको आप ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि अगर आप इन सावधानियों को बरतते हैं तो आप अपने आने वाला कल बहुत शानदार बना सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो छोड़कर कहीं ना जाएं, अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। चलिए बात कर लेते हैं आज आपकी दिनचर्या में क्या बड़े बदलाव होंगे। सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात करें तो चंद्रमा आज आपके साथ विभाव में होंगे, और यहाँ देखिए सबसे बड़ी जो चीज होगी वो ये है कि चंद्रमा को यहाँ पर कोई भी ग्रह पीड़ित नहीं कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन के कारक ग्रह हैं। तो मित्रों, जब चंद्रमा स्वतंत्र अवस्था में होते हैं तो ये आपको मानसिक रूप से बड़ा स्वतंत्र रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। और देखिए, जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वतंत्र होता है, स्वस्थ होता है, तो वह अपने सभी कामों पर ध्यान देता है। और इस दौरान, क्योंकि सातवें भाव को हम विवाह का भाव भी कहते हैं, साझेदारी का भाव कहते हैं, दाम्पत्य जीवन का भाव कहते हैं, तो मित्रों चंद्रमा का ये गोचर आज आपके मूड को मुख्य रूप से अपने साथी की तरफ बड़ा अच्छा रहेगा, यानी आप अपने साथी के साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, उन पर ज़्यादा प्यार लुटाने वाले होंगे और परिजनों के साथ भी अच्छा व्यवहार आपका बना रहेगा। आज आप दूसरों की जरूरत के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति भी रखेंगे, और जब आपको अपने साथी की देखभाल करने की भी आपके अंदर अपने साथी की देखभाल करने की इच्छा प्रबल होगी, यानी आपके अंदर वो हर चीज़ करने की संभव कोशिश होगी कि आप अपने साथी को किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी खुशियों का किस तरह से आप ख्याल रख सकते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के बारे में आप सोचेंगे। इसके अलावा देखिए, यदि आपके रिश्ते में कोई समस्या है, बाधा है, तो आज आपको थोड़ी सावधानी भी जरूर रखनी होगी, यानी कि समस्या को बढ़ने से आपको रोकना है। कुल मिलाकर आपसी सहमति से, धैर्य से आपको हर स्थिति को संभालना होगा, क्योंकि आपका साथी आज बहुत मूडी हो सकता है। तो मित्रों, मूड को बदलते देर नहीं लगती, इसलिए इस बात का भी आपको ख्याल रखना है।
पूरा प्रयास आप करते रहें, बेहतर होगा कि आप उनके मूड को अच्छा ही बनाकर रखें। इसके अलावा देखिए, इस राशि के जो जातक व्यावसायिक भागीदारी हैं या साझेदारी हैं, साझेदारी में व्यापार करते हैं, तो उनके साथ इस समय संबंध आपके ठीक ठाक रहेंगे, यानी कि साझेदार के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। और यदि आपका कोई दुश्मन है, शत्रु है, तो आज इस स्थिति में कुछ परिवर्तन जरूर हो सकता है, इसलिए अपने दुश्मन से भी आज आपको सावधान रहना है, क्योंकि कुछ ना कुछ परिवर्तन बदलाव यहाँ उनको जरूर देखने को मिल सकता है। हालांकि आज आप किसी भी तरह की सुलह या समझौता कर सकते हैं, इतनी अच्छी शक्ति आपके अंदर होगी। और देखिए, क्योंकि एक चीज़ भी है, इसलिए जितना हो सके तनाव को सबसे पहले दूर किया जाए, टेंशन को ख़त्म किया जाए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए अपनी चिंता को दूर करें, टेंशन बिल्कुल भी ना लें। बाकी आज आपको कुछ नए कामों से, नए लोगों से, अनुभवी लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, और उनसे मिलकर अब आप कुछ अच्छी गुणवत्ता पर अच्छी बातचीत करते हुए भी दिखाई देंगे। लेकिन देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे एक तो बिना सोचे समझे आप किसी भी काम को ना करें। यदि आप नया स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं, तो अच्छे से सभी चीज़ों की जांच पड़ताल कर लें, तभी इस विषय में आगे बढ़ें। बाकी आज राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति आज आपके लिए जरूर होगी। और यदि आप यात्रा कर रहे हैं, तो देखिए, आपको अपने सामान की एक तो सुरक्षा करनी है। सबसे पहले अपने सामान की सुरक्षा करें और अपनी भी सेहत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि यात्राओं के प्रबल योग यहाँ आज आपके लिए बने हुए हैं, ख़ास तौर से महंगी चीज़ों का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, जैसे लैपटॉप हुआ या मोबाइल हुआ, इन चीज़ों को आपको सावधानी से रखना है। तो बाकी अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे जीवनसाथी की तरफ से कोई ख़ास तोहफा आपको उपहार में आज मिल सकता है, या जीवनसाथी का सहयोग भी आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, आर्थिक लाभ की स्थितियां भी बनेंगी। इससे सामाजिक या शोक कार्य में अगर आप रुचि रखते हैं, तो देखिए, वो लोग आज सेमिनार या प्रदर्शन जैसी जगह पर जा सकते हैं, या सामाजिक समारोह में भी जा सकते हैं, जहां से आपको बहुत अधिक जानकारियां मिलेंगी। हर स्थिति से आज का यह दिन आपके लिए बेहद अनुकूल बना रहेगा। बस आप अपना रवैया अच्छा रखें, ईमानदार रहें, स्पष्टवादी रहें, बातों को घुमा फिरा कर ना कहें, साफ तरीके से स्पष्ट तौर पर अपनी बातें रखें, तभी आपकी दृढ़ता सामने आएगी, आपकी बातों को महत्वपूर्ण समझा जाएगा, आपके कामों को सराहा जाएगा। बाकी धन कमाने के कुछ अच्छे मौके भी आज आपको जल्द ही मिलने वाले हैं। और यदि आपका अपने लव पार्टनर से ब्रेकअप हो गया है, तो देखिए, आज आपको कोई नया साथी भी मिल सकता है, आज आपके नए संबंध स्थापित हो सकते हैं। अब मित्रों, बात करें अगर आपके पारिवारिक जीवन की, तो मित्रों, घर की किसी बात को लेकर आपको थोड़ी चिंता रह सकती है, और ये चिंता ऐसी होगी जो आपके पिता ही दूर कर पाएंगे, क्योंकि आपके पिता के सहयोग से आज आपको कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। माता का स्वास्थ्य आशीर्वाद आज आपके साथ रहेगा। तो मित्रों, माता के लिए इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, जो आपके लिए काफ़ी हितकर होगी, आपके दिन को बहुत सुंदर बना देगी। माता का आशीर्वाद आपके साथ होगा। मित्रों, समय परिवार वालों के साथ बिताने के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा देखिए, बात करें अगर इस राशि के विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए यह दिन बड़ा अच्छा है। आज एक तो विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में खूब लगेगा, और यदि किसी एग्जाम वगैरह में आप बैठना चाहते हैं, तो वहाँ भी अब आपके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। और देखिए, यदि आप एक बिजनेसमैन हैं, निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो मित्रों, आज आप किसी भी तरह का कोई भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आज किया हुआ निवेश आप लोगों के लिए काफ़ी लाभ लेकर आएगा और आपकी आर्थिक सुरक्षा में भी इजाफा होगा। हालांकि स्वभाव में भी थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आज आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि जिससे आपको कोई परेशानी हो। लेकिन फिर भी आपको अपने एक तो क्रोध पर नियंत्रण रखना है, धैर्य से संयम से हर काम के साथ पेश आना होगा। बाकी आज का यह दिन आप लोगों के लिए बड़ा शानदार है। देखिए, एक तो धन अर्जित करने के लिए दिन बहुत शानदार है, जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा था, तो कुछ अचानक से ही यहाँ ऐसा होने वाला है। बाकी पारिवारिक जीवन आज आपका बड़ा अच्छा रहेगा। खाने पीने की तरफ भी आज अच्छा ध्यान रखेंगे, लेकिन मीठी चीज़ें खाने का आपका ज़्यादा मन होगा। तो मित्रों, समय बेहद शानदार आपके लिए बना हुआ है। आर्थिक स्थिति के लिए भी बहुत शानदार समय है, इसका लुत्फ आपको उठाना है। और यदि देखिए, अपने किसी घर या प्रॉपर्टी आदि को आप बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अब बढ़िया समय है। वाहन प्रॉपर्टी आदि की खरीदारी और बिक्री के लिए ये समय बड़ा शुभ परिणाम आपके लिए लेकर आया है। चलिए बताते हैं आज का विशेष उपाय। इस उपाय को आज आप जरूर करें। प्रातःकाल स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें।
इसके बाद 108 बार तवा, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों ओम नमः शिवाय का जाप करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में शनिदेव का आशीर्वाद लेने के लिए जय शनिदेव लिखना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।